हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजुकी वी स्टॉर्म के न्यू मॉडल के बारे में। 2023 में इसका न्यू वर्जन लॉन्च होगा BSX फेज 2 वाला, तो उस नए वर्जन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, बाइक का डिजाइन चेंज होगा या नहीं, क्योंकि फिलहाल में ये डिजाइन काफी लोगों को पसंद नहीं है बाइक की हेडलाइट की वजह से। तो वी स्टॉर्म के नए वर्जन के लॉन्च डेट, प्राइस और फीचर्स जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देख लेना। और इस वीडियो का लाइक मैंने रखा है 150 लाइक्स का, आई नो होपफुली आप जल्दी से करवा दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो अगर आपको अपनी एडीवी जर्नी स्टार्ट करनी हो तो आपके लिए सुजुकी वी स्टॉर्म वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको बाइक में 250 सीसी का इंजन मिलता है, बाइक का ओवरऑल डिजाइन काफी अच्छा है बाइक की हेडलाइट को हटाकर, एंड सस्पेंशन ट्रैवल भी काफी सही है बाइक का। तो इसी एडवेंचर बाइक का नया वर्जन लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में, जिसमें आपको BSX फेज 2 वाला इंजन मिलेगा और बाइक में थोड़े बहुत अपडेट भी आएंगे नए वर्जन के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक में आपको सेम इंजन मिलता है सुजुकी जिक्सर 250 वाला, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 26.5 bhp की 9300 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 22.2 न्यूटन मीटर का 7300 rpm पर। फीचर्स में बाइक में आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स है, मोबाइल फोन कनेक्टिविटी है सुजुकी की तरफ से, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन आपको मिलती है बाइक में, और इस बाइक में नेविगेशन भी है। कंसोल बाइक का फुल्ली डिजिटल है, जिसमें आपको कॉल और SMS अलर्ट मिल जाएंगे और नकल गार्ड्स भी आपको मिलते हैं बाइक में। तो फीचर्स के मामले में सुजुकी वी स्टॉर्म वन ऑफ द बेस्ट बाइक है सेगमेंट में, लेकिन बाइक के सस्पेंशन में कमी है। अभी आपको बाइक में टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, लेकिन आने वाले नए वर्जन में इसमें अपसाइड डाउन फोक का यूज किया जाएगा, जिससे ये बाइक ऑफरोडिंग में थोड़ी सी और ज्यादा बेटर हो जाएगी। बाकी जो बाइक का डिजाइन है उसमें भी आपको 10-20% का चेंज देखने को मिलेगा। बाइक में नए कलर ऑप्शन आएंगे, नए ग्राफिक्स एड ऑन करे जाएंगे। फिलहाल में आपको बाइक में 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आने वाले वर्जन में इसमें 4-5 कलर ऑप्शन आएंगे। बाकी बाइक के फ्रंट पार्ट में आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल सकता है, जैसा कि मैंने सुजुकी जिक्सर में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर उसका लिंक डाल दूंगा आई बटन में। बाकी बाइक के टायर साइज में फ्रंट पार्ट का टायर है 100x90mm का और रियर पार्ट का टायर है 40x70mm का, और आपको बाइक के सभी पार्ट्स में LED लाइट्स मिलती है सुजुकी की तरफ से। और डायमेंशन में बाइक का कर्व वेट है 167 kg का, 205mm की ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक में जो कि काफी ज्यादा है, और 835mm की सीट हाइट है, और आपको बाइक में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और ये बाइक आपको 35 kmpl का माइलेज देती है सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी ये बाइक आपको दोस्तों आने वाले 2-3 महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में, और लॉन्च होने पर बाइक के प्राइस में 5-10 हजार का डिफरेंस आएगा। फिलहाल में ये बाइक 2,12,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर अवेलेबल है, तो आने वाले नए वर्जन का प्राइस रखा जाएगा 2,15,000 से 2,20,000 के एक्सट्रीम प्राइस पर। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो सुजुकी वी स्टॉर्म के न्यू मॉडल के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि आप में से कितने लोग हैं जो इस बाइक के लॉन्च होने का वेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इस बाइक को परचेज करने वाले हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में।